हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर को करवाने वाले, जो आपके एग्जाम की विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम टॉपिक वाइज करवाने की कोशिश करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है विदेशी जाति। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। तो हिस्ट्री का पता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, विदेशी जाति से 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आपका विदेशी जाति से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो विदेशी यात्री, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, पहला प्रश्न। तो मेगास्थनीज, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, ऑप्शन रहेगा राजतरंगिनी, इंडिका। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट प्रश्न है फायान। फायान जो थे एक चीनी जाति थे, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत कौन विदेशी नागरिक आया था। तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा फायान, जो कि 14 वर्षों तक भारत में रहा था। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो ह्वेनसांग। ये आपका राइट आंसर। इसी से दूसरा प्रश्न बनता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है कि ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो भारत में 15 वर्षों तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना और दूसरा बौद्ध ग्रंथ का एकत्रित करना था। तीसरा, जो विदेशी नागरिक थे अलबरूनी जो थे, वह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ये सभी जो विदेशी नागरिक थे, जिनमें से 4 में आपको हम बताएं, जिनमें से आपका 2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो मेगास्थनीज आए थे उसके दरबार में, दूसरा पाहयान जो थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और तीसरा ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है अलबरूनी, जो कि मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न आना तय है। नेक्स्ट हम बात करने वाले अब मौर्य साम्राज्य, अब मौर्य वंश का स्थापना। तो चलिए इसके संस्थापक पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि घरानन के हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मदद कौन किए थे, कोटिल, जिसे चाणक्य कहा जाता है। उस समय उसे चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना दिया गया, किसे, चाणक्य को। यहाँ ये दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न जानने वाले, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर बार आप क्वेश्चन में देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो हर बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो चाणक्य को अन्य नाम कोटिल या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य का कोई और नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त या कोटिल। तो चाणक्य द्वारा एक पुस्तक रचा गया जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुक से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमने पिछले बार बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो इसके दरबार कमी में कौन आए थे, मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, और चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र जो कि बुक थे वो राजनीति से संबंधित थे। यहाँ अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो यह राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसके अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट बुक वाला तीसरा प्रश्न है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक, तो कलहन द्वारा जो रचित पुस्तक है राजतरंगिनी, और मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है इंडिका, और चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये 3 बुक है जो आपके एग्जाम भी से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब आने वाले मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य, यानी कि सुंगवंश और कन्नवंश। तो सुंगवंश और कन्नवंश किस जाति से संबंधित थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि सुंगवंश किससे संबंधित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण से, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कि ब्राह्मण साम्राज्य के जो थे सुंग थे वह कन्नवंश के थे। अब जानने वाले हैं कि सुंग वंश के संस्थापक, संस्थापक हमने बताया कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा, जो सुंग वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र सुंग थे, जो यहाँ आपका दूसरा प्रश्न संस्थापक से पूछ लिया जाता है। और इसके अंतिम शास्त्र जो है सुंग वंश के जो अंतिम शासक कह सकते हैं, तो इसका देवभूति थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है,
देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कन्नौ वंश की स्थापना की। तो यहाँ आपका तीसरा प्रश्न बनता है कि कन्नौ वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव ने, और सिंह वंश और सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। आपसे नेक्स्ट प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि कन्नौ वंश के जो अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक सुशर्मा थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सातवाहन वंश। अब जानने वाले सातवाहन वंश के बारे में, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिमुक जो थे यानी कि किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो ये सातवाहन वंश के बिलोंग करते हैं। और सातवाहन वंश के राजकीय भाषा क्या था, तो सातवाहन वंश के समय जो राजकीय भाषा प्रकृति थी और उसकी लिपि ब्राह्मणी थी, जो आपका इम्पोर्टेंट। और सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख शासक थे जिनमें से सिमुक, सतकर्णी, गोमती पुत्र, सातकर्णी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए बोलता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि गोमती पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक थे, तो ये सातवाहन वंश के शासक थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले इसी सातवाहन वंश से। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का कर्म के रूप में बताइए। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी करते हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का कर्म के रूप में बताना। सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, इसके बाद शक वंश के शासकों ने आक्रमण किया, शक के बाद पलवन आया और पल्लव के बाद कुषाण वंश। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले कौन से वंश थे, पल्लव। तो पल्लवों के भारत पर आने वाले विदेशी नागरिक कुषाण। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले, यहाँ पर इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानियों ने। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आ जाते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन आपके आपका प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हिंद यूनानियों ने। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो अब समझने वाले कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कटफिशेश थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, कुषाण वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर वन। यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है कि कनिष्क किसके शासन के थे, सातवाहन वंश के, कुषाण वंश के, इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के संबंधित थे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके संस्थापक कौन थे, कुजुल कटफिशेश। इस वंश का प्रतापी राजा, कुषाण वंश का प्रतापी राजा किसे कहा जाता है, तो कनिष्क को माना जाता है। एक संबंध चलाया गया किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया, जो भारत सरकार द्वारा आज भी लागू है। कनिष्क शक संबंध किसके शासन काल में चलाया गया था, तो आपका राइट आंसर कनिष्क बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए, लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो आपका राइट आंसर हो जाए हिंद यूनानियों ने। अगर ऑप्शन वाइज आपको ऑप्शन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए कुषाण ऑप्शन है और हो सके यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है हिंद यूनानी, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा फिर कनिष्क। तो चलिए कनिष्क के राज कवि कौन थे, तो कनिष्क के राज कवि अश्वघोष थे। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक बुद्धचरित, हमने चार पुस्तक आपको हम बताएं, जिनमें से पहला हमने बताया कि मेगास्नी द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, दूसरा आपको बताया अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक बुद्धचरित, और इसी में से हम कुछ और बताएं, आप थोड़ा देख लीजिए। अब आते हैं संगम युग। तो संगम युग यानी कि संगम का मतलब होता क्या है, तो संगम का अर्थ होता है परिषद या कोष्ठ। अक्सर प्रश्न में पूछ लिया जाता है, अगर आप पिछले ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें पूछ लिया गया कि संगम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन था सभा, बहुत सारा ऑप्शन था जिनमें से आप सभा भी यहाँ बोल सकते हैं, परिसर बोल सकते हैं या गोष्ठी। अब समझने वाले गुप्त साम्राज्य, जो अक्सर गुप्त साम्राज्य से प्रश्न यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो है श्रीगुप्त को माना जाता है। इस वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त वन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त और इस वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। यहाँ से शक संबंध की शुरुआत किसने की, तो शक वंश के शासकों ने की थी। और दूसरा प्रश्न है गुप्त संबंध की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, चंद्रगुप्त वन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो समुद्रगुप्त बना और चंद्रगुप्त कहलाया
अब समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? समुद्रगुप्त थे जो विष्णु के उपासक थे। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है समुद्रगुप्त से, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप दो तीन साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि किसे कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। दूसरा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। तो अक्सर दरबारी कवि पूछ ले जाते हैं, और हमने पिछले बार बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे, तो उस समय उसके मेघासनी थे, और मेघासनी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, जो अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन कहलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। इसके शासनकाल में पहायान भारत आया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पहायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी कहलाए, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के जो उत्तराधिकारी कहलाए, स्कंदगुप्त। और इसके जो गुप्त वंश के अगर कहा जाए कि अंतिम शासक कौन थे, तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बनता है। और अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि कौटिल्य को यानी कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युग को प्राचीन इतिहास में स्वर्ण युग कहलाया, तो गुप्त काल को प्राचीन इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि किस युग को प्राचीन इतिहास में स्वर्ण युग कहलाया, तो गुप्त काल के शासन जो था स्वर्ण युग कहलाया, क्योंकि उस समय बहुत से सिक्के सोने जारी किए गए। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से फिर बुक से प्रश्न आ गया है कि विष्णु द्वारा रचित पुस्तक, तो पंचतंत्र था, विष्णु शर्मा है, शर्मा यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, पंचतंत्र, जो मौर्य शासन काल के बारे में वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का जन्म कौन से शासनकाल में हुआ, तो मंदिर बनाने का जो कला है गुप्त शासनकाल में इसकी जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, अब हम थोड़ा संस्थापक से देख लेते, तो पल्लव वंश के जो संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु। इससे आपका दो प्रश्न आना तय है संस्थापक से, इस्टाब्लिश्ड से। महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यहाँ भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा आपका जो संस्थापक चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट के संस्थापक जो थे दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एलोरा के जो प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, किसके शासनकाल के द्वारा निर्माण किया गया, तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैलाश मंदिर कौन से शासन काल के द्वारा बनवाया गया था, तो राष्ट्रकूट के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, होशियाल वंश के संस्थापक, होशियाल वंश के संस्थापक कौन थे, विष्णु वर्धन। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, और पल्लव वंश के संस्थापक गोपाल, और गोपाल के जो महान शासक थे, यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, धर्मपाल। और अब चलिए जानते हैं अंतिम है आपके सिलेबस के अनुसार मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो मोहम्मद गजनवी जो थे, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यहाँ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत पर मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे बड़ा चर्चित आक्रमक रहा 1025 ईस्वी में। ये चर्चित इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लगभग 20 लाख जो है रुपया को, उसे उस समय दिनार कहा जाता था, इसके शासनकाल में लूट लिए थे। इसलिए उन्होंने बहुत से धन लूटा सोमनाथ मंदिर से, इसलिए इसे चर्चित आक्रमक कहा जाता है। तो यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, और या तो किसने लूटा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी नागरिक, तो मोहम्मद गजनवी थे। और दूसरा प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार भारत पर आक्रमण। जो आपको हम जितने भी प्रश्न बताए आपके एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है कोर पेपर 4 का इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। थैंक यू।